बीएससी मैथमेटिक्स की एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो का क्रम यहाँ पर लिखा नहीं है, जो भी है थंबनेल में देख लिया होगा आपने। अब स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक का नाम है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स से आपका 7.5 से लेकर 15 नंबर तक का सवाल आता है। सवाल को हम सीखेंगे निकालना, और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी रहे होंगे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, नए देख रहे हैं, तो उनको मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, या फिर आप इस वीडियो से पिछले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको इकलन फॉर्म के बारे में बताया था। रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लिए इकलन फॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी होती है। थोड़ा सा रैंक ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपको इकलन, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखे, चाहे वो मैट्रिक्स इस तरह से 2x2 का मैट्रिक्स है, चाहे आपका 3x3 का मैट्रिक्स है, या आपका कोई भी मैट्रिक्स होगा वो मान लीजिए आपका 3x4 का है, या आपका कोई भी मैट्रिक्स 4x4 का है। अब उसमें बहुत सारी रो होंगी, इस तरीके से रो होंगी, इस तरीके से, है ना, आपका जैसे भी मतलब बहुत सारी चीजें हैं उसमें, ऐसे कॉलम भी होंगे, रो भी होंगी। लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान किस पर देना है, नॉन जीरो रो पर। नॉन जीरो रो का मतलब क्या है, नॉन जीरो रो यानी कि ऐसी रो जिसमें सभी एलिमेंट जीरो ना हो। जैसे कि ये आपकी क्या है, ये आपकी जीरो रो कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जीरो रो। लेकिन यदि मैं यहां पर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा डाल दूं जो जीरो नहीं है, एक डाल दूं, या यहां पर मैं मान लीजिए दो डाल दूं, तो अब ये नॉन जीरो रो कहलाएगी। या इसमें सारे एलिमेंट जैसे कि -2 या यहां पर 4 ऐसे लिख दिया, तो ये आपका नॉन जीरो रो कहलाएगी। ओके, अब एक जीरो रो कौन सी होगी, यानी कि जिसमें सभी एलिमेंट आपके जीरो हो, तो ये आपकी जीरो रो कहलाएगी। तो हमको स्पेशली ध्यान देना है, किसी मैट्रिक्स में यदि जीरो रो है तो वो नीचे होनी चाहिए। कोई भी जो रो है उसका पहला एलिमेंट आपका नॉन जीरो हो और 1 होना चाहिए, तो वो जो फॉर्म हो जाती है वो आपकी इकलन फॉर्म हो जाती है। क्या हो जाती है, इकलन फॉर्म हो जाती है। और यदि कोई भी मैट्रिक्स आपकी इकलन फॉर्म में दे रखी है तो उसमें जितनी भी नॉन जीरो रो की संख्या होगी वही आपकी मैट्रिक्स कहलाएगी। क्या कॉन्सेप्ट है कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है, पहले हम उसको इकलन फॉर्म में चेंज करेंगे, और इकलन फॉर्म में जैसे ही वो आ जाएगी तब हम उसमें देखेंगे कि कितनी ऐसी रो हैं जो नॉन जीरो हैं, कितनी ऐसी रो हैं जो नॉन जीरो हैं, वो संख्या आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे एक कॉन्सेप्ट अभी आपको अटपटा सा लग रहा होगा, एक सवाल लेता हूं आपको। जैसे कि हमारा क्वेश्चन आया, ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए वेयर ए इक्वल टू, ए इक्वल टू आपको दे रखा है 1 2 3 1 2 3, और यहां पे दे रखा है आपका 2 1 4 2 1 4, और नीचे दे रखा है 3 0 5। ये एक मैट्रिक्स है आपकी, ध्यान से समझेंगे, ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स की हमको रैंक ऑफ मैट्रिक्स यानी रैंक निकालनी है। इसकी रैंक निकालने के लिए अब आप, हमने क्या बताया है कि नॉन जीरो रो, अब ऐसे आप नॉन जीरो रो देखोगे तो इसमें कितनी है, देखिए ये वाली रो आपकी, इसमें भी सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, इस वाली रो में भी आपके सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, इस वाली रो में भी सभी एलिमेंट आपके जीरो नहीं है, यानी कि ये तीनों के तीनों आपकी नॉन जीरो रो है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसकी रैंक 3 होगी, नहीं, पहले ये आपकी नॉर्मल फॉर्म दे रखी है, पहले इस फॉर्म को हम इकलन फॉर्म में चेंज करेंगे। इकलन फॉर्म में जब ये चेंज हो जाएगी तब देखेंगे इसमें नॉन जीरो रो की संख्या है कितनी। तो पहले हम इसको इकलन फॉर्म में चेंज करेंगे, और इकलन फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको, देखिएगा हमको क्या करना है इकलन फॉर्म के लिए, देखिए
अब आपको मैं बता दूं इकलन फॉर्म में आपको चेंज करना है तो सबसे पहला एलिमेंट आपका वन होना चाहिए, सबसे पहला एलिमेंट वन होना चाहिए और इसके नीचे सभी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि ये वन होना चाहिए और इसके सभी एलिमेंट यहां पर कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, अब आपको ये तो पता होगी ये आपकी रो वन होती है, ये आपकी रो टू होती है और ये आपकी रो थ्री। हम इसमें जब रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं तो उस समय पर हम केवल और केवल रो ऑपरेशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसी रो का हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमको यहां पर हमको क्या चाहिए, जीरो चाहिए, इसके यहां पे वन आ गया। पहली प्रायोरिटी हमारी क्या है कि यहां पर वन होना चाहिए, यहां पर वन है पहले से, तो इसके नीचे जीरो जीरो होने चाहिए, इसके नीचे क्या होने चाहिए, जीरो जीरो होने चाहिए। तो हमारे लिए यहां पर जीरो होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए ये भी समझ लो, 3x3 के लिए जो इकलन फॉर्म बनेगी वो कितनी है, यहां पर वन है, जीरो जीरो इस तरह से होना चाहिए, यहां पर जीरो, यहां पर वन, यहां पर कोई भी, यहां पर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है चलेगा, पर यहां पर वन होना चाहिए, यहां पर वन है, यहां पर कोई भी एलिमेंट है चलेगा और यहां पर आपका जीरो जीरो ले आओ, ये आपकी इकलन फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। ये चलो यहां पर दो जीरो ले आओ, यहां पर भी चल जाएगा, कोई भी एलिमेंट है, लेकिन एटलीस्ट यहां पर वन होना चाहिए, यहां पर वन होना चाहिए, ठीक है। यदि यहां पर कोई भी एलिमेंट है तो यहां पर वन लेके आओ, अदरवाइज यहां पर जीरो जीरो ले आओ, ठीक है। या तो यहां पर जीरो ले आओ या यहां पर वन ले आओ, लेकिन हमको इतने से पहले ही यहां पर यदि ये जीरो आ जाएंगे इतने पे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब हमारी प्रायोरिटी ये है कि यहां पर जीरो आना चाहिए, यहां पर जीरो आना चाहिए। तो यहां पर जीरो कैसे आ सकता है, यहां पर हमारा ये कौन सी है R2, इस R2 में हम क्या चेंज करें कि यहां पर जीरो हो जाए। तो आपको पता है इस दो में से दो चला जाएगा तो जीरो हो जाएगी, तो इसी दो में से इस R2 में से इसमें से हम क्या घटा देंगे, दो R1 घटा देंगे, यानी इसमें दो की मल्टीप्लाई करेंगे और इसी को घटा देंगे, तो आपका यहां पर जीरो हो जाएगा। इसको हम इस R3 को हम जीरो कैसे कर सकते हैं, इस R3 को जीरो ऐसे कर सकते हैं कि इस तीन में से यानी कि इस R3 में से इस वाले एलिमेंट में हम क्या करें, तीन की मल्टीप्लाई करें और इसको घटा दें, यानी कि 3R1 में कर दूंगा तो ये आपका ये भी जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए अब इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये बराबर या इक्विवेलेंट आप लिख सकते हो, इक्विवेलेंट का मतलब ऑपरेशन लगाने के बाद में आप ए, ठीक है। तो ए क्या है, बराबर भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, ये वाले में तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, इस वाले में तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, इसमें से यहां पर ये है R2, यानी इस R2 में से इसमें हमने दो की मल्टीप्लाई की और घटा दिया, दो की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे दो हो जाएगा, दो में से दो गया तो जीरो आ जाएगा, इसमें दो की मल्टीप्लाई करूंगा चार हो जाएगा, एक में से चार जाएगा तो माइनस का तीन बचेगा, क्योंकि R2 इसमें से ये घटाना है लेकिन इसमें दो की मल्टीप्लाई करने के बाद, इसमें दो की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, छह हो जाएगा, चार में से छह जाएगा तो माइनस का दो बचेगा, ठीक है। अब इसमें से R3 में से 3R1 घटाना है, तीन की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें से घटा दूंगा, तीन माइनस तीन की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तीन, तीन में से तीन गया जीरो हो जाएगा, यहां पर तीन की मल्टीप्लाई करूंगा छह हो जाएगा, जीरो में से छह जाएगा तो माइनस का छह हो जाएगा, यहां पे तीन की मल्टीप्लाई करूंगा नौ हो जाएगा, पांच में से नौ जाएगा तो माइनस का चार बचेगा, ठीक है, पांच में से नौ जाएगा तो माइनस के चार बचेगा, ओके ऑलराइट। अब आपको क्या करना है, तो देखिएगा यहां तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब यहां से आगे आप देखिए इकलन फॉर्म के लिए हमको क्या चाहिए, नीचे के एलिमेंट आप ऐसा करा करो, नीचे के एलिमेंट जीरो बनाने का प्रयास करो, सबसे ज्यादा जब आपका ये जीरो हो जाए तो इस वाले लाइन को जीरो बनाने का प्रयास करना है, ये ट्रिक है आपकी, ठीक है। ट्रिक क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि नीचे की लाइन में आपके जीरो जीरो होने चाहिए ज्यादातर, ठीक है, इकलन फॉर्म में। तो हम नीचे के लाइन में जीरो जीरो करेंगे तो यहां पर क्या है, छह है, और यदि ऊपर वाले में हम दो की मल्टीप्लाई करके इसके साथ में हम क्या करते हैं घटा दें तो आपका क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ऐसे ही इसमें दो की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के चार हो जाएगा, और माइनस के चार इसमें से घटा देंगे तो आपका जीरो हो जाएगा। तो ये तो बना बनाया है, हमको क्या करना है, अब हमको
R3 में ऐसा चेंज करना है R3 - 2R2। R3 में से इसमें हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें से इसको घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा जरा देखिए, A = 2 क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अब हम R3 में चेंज कर रहे हैं तो इन दोनों से तो कोई लेना देना ना रहा, 1 ये है -2 है, ये 2 है और ये है आपका 3, यहां पर है 0, यहां पर है -3 और ये है -2। ओके, अब यहां पर इसमें मैं 2 की मल्टीप्लाई करूं और इसमें से इसको घटाना, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही रहेगा, जब इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 की तो ये माइनस का 6 हो जाएगा और इसमें से घटाना है यानी इस -6 में से इसको घटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -6 और ये हो जाएगा +6, इससे ये कट जाएगा तो यहां पर भी 0 आ जाएगा। ऐसे इस -4 में से यानी कि R3 में से इसमें 2 की मल्टीप्लाई करूंगा और घटा दूंगा, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 - 4 ये +4 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा यानी ये भी 0 आ गया। बस यही इकलन फॉर्म बन गई। इकलन फॉर्म कैसे बन गई कि नीचे आपका 0 0 आ गया, यहां पर 1 आ गया, यहां पर 1 करने के लिए हमको क्या करना है, इसमें इस R2 में हम चेंज कर देंगे, यहां पर 1 करने के लिए इसमें मैं -3 का भाग कर दूंगा यानी -3 की इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा R2 में, इस R2 में -3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पर ये -3 है, इस -3 में 1/-3 की जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे ये कट जाएगा तो यहां पर 1 बचेगा, तो ये A = 1, 2, 3 ये जो कहते हैं रहेगा, ये 0 है जब इसमें -3 की भाग करूंगा तो ये +1 हो जाएगा, इसमें -3 का भाग करूंगा तो ये 2/3 हो जाएगा, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। अब ये आपकी इकलन फॉर्म बन गई, बनी ना बनी, ये इस 1 के नीचे 0 0, ये 1 है तो इसके नीचे भी 0, बस ये इकलन फॉर्म है। और नीचे वाली रो आपकी 0 रो है तो वो नीचे होनी चाहिए, 0 रो नीचे आ गई। तो अब इसमें देखिएगा नन जीरो रो कितनी है, ये भी आपकी नन जीरो रो है, एक ये भी आपकी नन जीरो रो है, तो अब इसमें क्या है, इसकी हम निकालेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, जिसको हम प्रदर्शित कर लिखते हैं रो ए बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ नन जीरो रोज। ठीक है, तो इसमें नन जीरो रो कितनी है, नन जीरो रो 1 और 1 2 है, तो यहां पर रो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 2, तो इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी है, 2 है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बस आपको ये याद रखना है कि 3/3 की इकलन फॉर्म का प्रारूप क्या रहता है, तो 3/3 का एक प्रारूप क्या है, यहां पर 1 फिर इसके नीचे 0, यहां पर 1 इसके नीचे 0 और यहां पर भी 0 ले आओ, बात खत्म। या तो यहां पर 0 आ जाए तो ठीक है, या यहां पर 1 आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। स्पेशली मोस्टली आपको क्या करना है, नीचे वाली रो को 0 बनाने का प्रयास करना, 0 ना बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर 1 और यहां पर 1 तो होना ही चाहिए। ठीक है, समझ में आया। बाकी इकलन फॉर्म के लिए हमारा पुराना वाला वीडियो जरूर देखिएगा, समझ में आएगा। अब कुछ और सवाल करेंगे, तेजी से करेंगे, बहुत जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। अब सीखते हैं एक दूसरा सवाल, ये भी 3/3 का है। आज ऐसा करो 3/3 के सारे कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर आप 3/4 का, फिर 4/4 का, फिर 3/5 का, फिर 5/5 का, इस तरीके से सिखाएंगे। इसका देखते हैं, देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं इसका। ठीक है, ये आपका सवाल है, हमने क्या बताइए, यहां पर आपका 1 होना चाहिए। पहले ये देखो इसमें कहीं पर 1 आ रहा है, इस वाली रो में 1 आ रहा है, यानी कि इस ये आपकी रो 1 है, ये आपकी रो 2 है और ये आपकी रो 3 है। आपको दिखाई दे रहा है कि इस दूसरी रो में 1 है, तो आप ऐसा करो इस दूसरी रो को ही ऊपर पहुंचा दो, रो का इंटरचेंज हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इसीलिए मैं R1 का स्थानांतरण R2 की जगह कर दे रहा हूं, R2 का 1, तो इसका मतलब है एक्सचेंज कर दिया हमने R1 को R2 की जगह पर, R2 को R1 की जगह पर। तो इस वाले पूरे देखिएगा, ये वाला जो पूरा रो है, ये वाला मैं अब ऊपर पहुंचा दे रहा हूं, तो ये अब R कुछ इस तरह का दिखाई देगा, 1 2 3 ये ऊपर पहुंच गया है। और इस R2 की जगह पर
इस आर टू की जगह पर ये आर वन यानी कि दो तीन चार, ये दो तीन चार ले आया मैं, ठीक है। और नीचे वाले में मैंने कोई चेंज नहीं किया, तो ये आपका तीन पांच सात जो करते हैं। अब हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि यहां पर वन आ गया। अब हमको क्या दूसरा क्या नाम क्या करना है, इसके नीचे जीरो, इसके नीचे जीरो, यानी कि यहां पर भी जीरो, यहां पर भी जीरो। ये तो बहुत सिंपल है। ये सिंपल कैसे है, हमको क्या करना है, हमको इस आर टू में क्या चेंज करना है, इस आर टू में। ये तो बहुत सिंपल हो जाता है जब यहां पर वन आ जाता है, इसी से जो भी खेला करेंगे हम इसी से करेंगे। इस आर टू में से क्या घटाएं, दो घटाना है, दो की मल्टीप्लाई कर दो, दो आर वन, बात खत्म। इसमें दो की मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। और इसमें यहां पर जीरो करना है, तो इसकी जगह पर भी वेरी सिंपल, आर थ्री में से क्या घटाना है, हमको यहां पर तीन आ रहा है, तो थ्री आर वन, बस जो भी चीज यहां पर आ रही है उसी की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, क्योंकि यहां पर तो वन है, तीन की मल्टीप्लाई करेंगे, इस तीन में से तीन चला जाएगा तो जीरो आ जाएगा, हो गया सिंपल। अब देखिएगा तो अब ए क्या हो जाएगा, ए इक्वलाइज टू इस तरीके का ए बन जाएगा। देखिएगा पहली चीज तो ये कि इस एक दो तीन में तो कोई चेंजेस नहीं करने, एक दो तीन ये तो जोंका त्यों रहेगा। अब बात आती है इसकी, देखिएगा यहां पर हमको क्या करना है, यहां पर ये आर टू है, ये वाला आर टू है, इस आर टू में से इसमें हमको दो की मल्टीप्लाई करके घटा देना, इस दो में से, ये दो में से इसमें दो की मल्टीप्लाई करूंगा दो हो जाएगा, और दो में से दो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यहां पे दो की मल्टीप्लाई कर दूंगा चार हो गया, इस तीन में से चार जाएगा तो माइनस का एक बचेगा, यहां पे दो की मल्टीप्लाई करूंगा छह हो जाएगा, चार में से छह जाएगा माइनस का दो बचेगा, सिंपल, ठीक है। अब ये तीन है, आर थ्री में से क्या घटाना था, थ्री आर वन, इसमें तीन की मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दूंगा, यहां पर जो भी एलिमेंट होगा पहला उसकी मल्टीप्लाई करते जाना है और इसमें से घटाते जाना, बात करते, वेरी सिंपल। तीन की मल्टीप्लाई करूंगा इसमें तीन हो जाएगा, तीन में से तीन जाएगा जीरो, ओके। तीन की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, तीन दूनी छह हो जाएगा, पांच में से छह जाएगा तो ये भी माइनस का वन बचेगा। तीन की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा नौ, सात में से नौ जाएगा, सात में से नौ जाएगा तो माइनस का दो बचेंगे, ठीक है, वेरी सिंपल। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है, हमने क्या बताया था, जब ये चीज आ जाती है तो हमको क्या करना होता है, नीचे वाले को जीरो बना लो पहले, ये माइनस का वन है, ऊपर भी माइनस का वन जब दिखाई दे जाए, भाई एक जैसी संख्या है, जब एक्स में से एक्स घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, माइनस वन में से माइनस का वन घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस से माइनस ये क्या हो जाता है, प्लस का वन हो जाता है, और ये आपस में कट जाएंगे तो जीरो आ जाएगा, सिंपल है, वेरी सिंपल। ये आपका आर थ्री है, इस आर थ्री में से ऊपर वाला घटा दो, यानी कि इस आर थ्री में हम ऐसा चेंज करेंगे आर थ्री माइनस आर टू, इस आर थ्री में से ये वाला घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा, नीचे बात खत्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए में कुछ ऐसा चेंज आ गया, देखिएगा अब हमने क्या करा है, आर थ्री में चेंज कर रहे हैं, तो मतलब ये है कि R1 और R2 से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो ये 1 2 3 है, ये 0 ये 0 ये -1 और ये -2 है, इससे तो कोई छेड़खानी नहीं करी है। अब हमारा क्या है, इस 0 में से 0 जाएगा तो 0 आ जाएगा, -1 में से माइनस का 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, -2 से -2 जाएगा ये भी आपका 0 हो जाएगा, वेरी सिंपल। अब हमको क्या करना है, यहां पर 1 लेकर आना है, यहां पर माइनस का 1 है, जब आपको दिखाई दे रहा है माइनस का वन है तो यहां पर माइनस की ही मल्टीप्लाई कर दो या माइनस का इसमें भाग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, वेरी सिंपल। ये तो इस आर टू में हम क्या करने जा रहे हैं, माइनस एक की मल्टीप्लाई करते मल्टीप्लाई करो या इसमें भाग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आपने क्या करा, माइनस एक का मैंने इसमें भाग कर दिया, सबसे सिंपल है, इस आर टू में मैंने माइनस एक का भाग कर दूंगा, तो अब ये क्या चेंजेस हो जाएंगे इसमें, ये हो जाएंगे 1 2 3 और यहाँ पर इसमें 0 में माइनस वन का भाग करूंगा तो 0 रहेगा, इसमें माइनस वन का भाग करूंगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, इसमें माइनस वन का भाग करूंगा तो ये प्लस का 2, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का प्लस ये भी प्लस, नीचे वाला ये 0 0 0 रहेगा। अब मुझको इसमें ऐसे बताओ कि ये 0 0 एलिमेंट है, यानी कि 0 रो कहलाएगी, क्या इसमें सभी एलिमेंट 0 है, नहीं है, क्या इसमें सभी एलिमेंट 0 नहीं है, नहीं है। तो अब आपको ऐसी कितनी रो दिखाई दे रही है जिसमें सभी एलिमेंट 0 नहीं है,
ऐसे कितने रो हैं जिनमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, बताओ कितनी है? दो। तो यही आपकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू नंबर ऑफ नन जीरो रो। नन जीरो रो कितनी है? तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम रो ए से प्रदर्शित करते हैं, एक और एक दो, ये दो है, तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की इतनी आ गई दो। बात है तो समझ में आई, ठीक है, वेरी सिंपल कर लीजिए। 7.5 नंबर का प्रश्न है, 4x4 का, 5x4 का, या 5x5 का, 4x4 का आएगा तो 10 नंबर में आएगा, इससे ज्यादा सिंपल कोई नहीं बताएगा, इसके लिए सॉल्व। तो भाई अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। अब इसमें मान लीजिए एक एक एलिमेंट लिख रहा है सभी में, यहां पे मान लीजिए 5-5 होते, 6-6 होते, 7-7 होते, कोई भी एलिमेंट दे रखा है, करते हैं इसको सॉल्व। अब आपको हमारा क्या है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहां पर 1 चाहिए, 1 आ गया, बात खत्म। अब हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि यहां पर 2 जीरो चाहिए, यहां पर तो 1-1 है, सिंपल है, 1 में से ये वाला 1 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें से ये वाला 1 घटा देंगे तो सिंपल है 0, बात खत्म। तो आपको क्या करना है कि R2 चेंज टू, इस R2 में हम क्या चेंज करेंगे, R1 को घटा देंगे, R2 माइनस R1। R3 में क्या चेंज करेंगे, इस R1 में से, R3 में से ये R1 घटा देंगे। सपोज दैट यहां पे यदि 2 होता तो यहां पे 2 की मल्टीप्लाई करके घटा देते, यदि यहां पर 5 होता तो इसमें 5 की मल्टीप्लाई करता फिर घटा देता, वेरी सिंपल। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, कुछ इस तरह का आएगा। अब देखिएगा जब यहां पर इस वाले में 1-1-1 आ गया तो इस वाली रो से तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है, ओके। अब यहां पर क्या है, इसमें से ये घटाएंगे, इसमें से 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, इस 1 में से ये 1 जाएगा तो 0 आ जाएगा, R2 में से R1 घटा दिया। अब ये आपका R3 है, R3 में से फिर R1 घटाएंगे, यानी R1 में से 1 गया तो 0, इस 1 में से 1 गया तो 0, यहां पर 1 में से 1 गया तो 0, क्या हुआ? अब बस ये तो बात खत्म, यहां पर अब कोई एलिमेंट बचा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि यहां पर जबरदस्ती आप एक बनाओगे, नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है, जब जीरो बन गया बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यदि यहां पर जीरो नहीं बनता, कोई 5-6-10 बनता तब हम एक बनाते, लेकिन यहां पर पहले ही जीरो बन गया तो बात खत्म, फिर जीरो पे आगे फिर कुछ नहीं करते, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, निकाल दो सीधे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है भाई, रैंक ऑफ मैट्रिक्स यदि हम निकालेंगे इसमें तो हम ये देखेंगे कि इसमें ऐसी कितनी रो है जिसमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, तो एक, तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ नन जीरो, नंबर ऑफ नन जीरो रो। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो ए से, तो ऐसी कितनी रो है जो नन जीरो है, यानी कि नन जीरो का मतलब जिसमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं, तो एक है, दिस इज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, बात करते समझ में लाइक। तो अब आ जाते हैं अपने अगले सवाल पर, देखिएगा सवाल बहुत ही शानदार है। अब इसमें भी ये भी 3x3 का है, इसमें डायगोनली एलिमेंट आपके 0-0-0 है, तो इसमें आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको क्या करना है, हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया ही है कि यहां पर 1 चाहिए, तो यहां पर 1 यहां पर लेकर आना है, तो यहां पर ये 1 आ रहा है यानी R2 है, तो इस R2 को ऊपर पहुंचा दो या फिर इस वाले R3 को ऊपर पहुंचा दो, आपका मन जो चाहे वो करो, ठीक है। तो अब हम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमने क्या किया, इस वाली रो को मैं ऊपर पहुंचा दे रहा हूं R2 इंटरचेंज R1, R2 को मैं ऊपर और R1 को नीचे, आपकी इच्छा है R3 को साथ भी यही काम कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो मैं इस वाली रो को ऊपर पहुंचा दे रहा हूं और ऊपर वाली को नीचे, तो A अब इस तरह का आपका दिखाई देगा, 101 101, ये ऊपर पहुंच चुका है और ये 011 011 ये नीचे आ चुका है, 110 110, ये जोका त्यों है, ओके ऑलराइट, ये इसके नीचे जीरो, इसके नीचे जीरो चाहिए। अब आपको दिखाई दे रहा है 1 आ गया, 1 के नीचे जीरो, 1 0 ऑलरेडी बन चुका है, तो यहां पर जीरो चाहिए,
ये वन है तो सिंपल सी बात है इसमें से हमको ऊपर वाला घटाना पड़ेगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, आर थ्री में क्या चेंज डालेंगे, आर थ्री माइनस आर वन, आर थ्री में से आर वन घटाएंगे तो ये कुछ इस तरीके की आपको दिखाई देगी, ऊपर वाला 101 और ये है आपका 011। अब इसमें से ये जाएगा तो जीरो हो जाएगा, वन में से जीरो जाएगा तो ये वन ही बचेगा और जीरो में से वन जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का वन, जीरो में से वन जाएगा तो माइनस का वन बचेगा। समझ में आ रही होगी आपको बात, अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है, ऑलराइट चलिएगा। अब यहां से आगे अब हमको क्या करना, देखिएगा यहां पर वन आया इसके नीचे दो जीरो हो गई, यहां पर बीच में वन आया आ गया तो इसके नीचे भी यहां पर जीरो होना चाहिए, ओके ठीक है, बहुत ही वेरी सिंपल। अभी अब हमको यहां पर वन चाहिए तो इसमें से यही घटा दो, सिंपल सी बात है। तो आर थ्री चेंज आर थ्री माइनस आर टू, आर थ्री में से आर टू घटा देंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, ये है वन जीरो वन है, यहां पर आपका जीरो यहां पर वन और ये वन है। अब ये जीरो में से जीरो जाएगा तो जीरो बचेगा, वन में से वन जाएगा तो जीरो हो जाएगा। अब ये माइनस का वन है इसमें से ये वन जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का दो, क्योंकि माइनस 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 के दो हो जाएंगे, ये माइनस का दो। अब इसमें इससे ज्यादा चेंज नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अब सोचोगे कि सर यहां पर माइनस का दो है इसमें दो की मल्टीप्लाई करके इसके साथ हम जोड़ देंगे, हाँ बबुआ यहां पर दो की मल्टीप्लाई करके इसके साथ में जोड़ दोगे तो यहां पर तो जीरो हो जाएगा, लेकिन जब दो की मल्टीप्लाई करके इसके साथ में जोड़ेंगे तो यहां पर दो आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या है कि इसके नीचे जीरो नहीं बचेगा फिर, तो इसका मतलब यह है कि अब इससे ज्यादा यह सॉल्व नहीं हो सकता कि इसके नीचे दो जीरो आ गई, इसके नीचे जीरो आ गई, यहां पर जीरो बने तो ठीक, ना बने तो ठीक, ठीक है। जब यहां पर कुछ ना बने तो यहां पर क्या है, वन बना देंगे, क्या बना देंगे, वन। और वन बनाने के लिए यहां पर क्या है, यदि यहां पर वन बन रहा है तो ठीक, नहीं तो यहां पर माइनस का दो है तो माइनस दो का यहां पर डिवाइड कर देंगे। तो आर थ्री में क्या चेंज करना है, माइनस दो का डिवाइड कर देना है इसी आर थ्री में, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 101 और ये हो जाएगा 011 और ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो और यहां पर माइनस दो का डिवाइड करेंगे तो ये भी हो जाएगा वन। बात समझ में आ गई, अब देख लीजिएगा इसके नीचे जीरो इसके नीचे जीरो, बात खत्म। यहां पर कोई एलिमेंट है तो वन होना चाहिए, नहीं तो जीरो होना चाहिए, यहां पर वन आ गया। अब इसमें हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालेंगे तो लिखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो मतलब क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब यह है कि इसमें कितनी नॉन जीरो रो है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रो, नॉन जीरो रोज कितनी है इसमें, तीन है, क्योंकि ऐसी कितनी रो हैं जिनमें सभी एलिमेंट जीरो नहीं है, ना तो इसमें सभी एलिमेंट जीरो तो एक हो गई नॉन जीरो, ना तो इसमें सभी एलिमेंट जीरो दो, ये भी काउंट की जाएगी नॉन जीरो में, इसमें भी सभी एलिमेंट जीरो नहीं है क्योंकि इसमें यहां पर एक एलिमेंट ऐसा है जो नॉन जीरो है, तो मतलब ये भी नॉन जीरो रो है, तो कितनी है, तीन। तो इसलिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोले तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू थ्री, थ्री इज द राइट आंसर, तो इसकी नॉन जीरो रो कितनी है, तीन। बात समझ में आ रही है, बहुत ही अच्छे से आ रही होगी भाई, इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए फिर आप चलिए। तो मैं आपको एक 3x4 का क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क में, इसको करना है घर और उसके बाद में कल से हम इसके कराएंगे 3x4 के। देखिए क्वेश्चन क्या है, 110 माइनस टू और 2022 2022 और ये है 4131 4131, ये क्वेश्चन है आपका 1 2 3 और 3x4 का है, इसको करने का प्रयास करना है, काम वही करना है, मैं आपको कॉन्सेप्ट हिंट बता दे रहा हूं। यहां पर आपका वन आना चाहिए, इसके नीचे जीरो इसके नीचे जीरो, ये एलिमेंट कुछ भी है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके नीचे वन आना चाहिए, ये एलिमेंट कुछ भी है चलेंगे,
पर इसके नीचे जीरो आना चाहिए, बात खत्म। जब ये जीरो ये वन आ गया तो इसके नीचे सारे या तो सारे जीरो होने चाहिए या यहाँ पर इसके नीचे जीरो कंपलसरी है, इसके नीचे जीरो कंपलसरी रखना है। यदि यहाँ पर जीरो आ जाए तो सही, ना आए तो यहाँ पर वन कर देना, यहाँ पर जीरो आ जाए तो ठीक, ना आए तो यहाँ पर वन कर देना, बात खत्म। समझ में आई बात? ये आपको कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया और ये वीडियो हम बनाएंगे कल 3x4 के और 4x4 के कराऊंगा मैं कल, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, आज के क्वेश्चन बहुत ही इजी थे। और जो स्टूडेंट्स नए हैं उनको मैं बता दूं, इसका इकलन फॉर्म का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको जानना है, रैंक ऑफ मैट्रिक का बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है, तो इससे पहली वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और हाँ, यदि आप हमारे फ्री बैच से ज्वाइन होना चाहते हो तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ये पूरा बीएससी मैथमेटिक्स को पूरे को पढ़ना चाहते हो उसका लिंक भी आपको नीचे मिलेगा, जिसमें पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप देख सकते हो पूरा एक एक करके सभी वीडियो को। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय।